छाती समेटे लेकिन उदास चेहरों के साथ परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। मुलाजम पेशा अफराद कल से दफातर और दीगर अफराद मेहनत मजदूरी शुरू कर देंगे। बस अड्डों पर रश बढ़ता जा रहा है। मुसाफरों का कहना है कि वो तो मजबूरी में सफर कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स रश का फायदा उठाकर जायद किराया वसूल कर रहे हैं। कुछ शहरियों ने ईद के तीसरे दिन भी भरपूर फायदा उठाया और इंतहाई खुशगवार मौसम में रिश्तेदारों से मिलने के लिए रखते सफर बांधा, लेकिन बस अड्डों पर गाड़ियों की कमी ने शहरियों को मायूस किया। मुतअद्दिद मुसाफिरों को अपने शहर जाने के लिए घंटों इंतजार की सूली पर लटकना पड़ा। सियालकोट जाना है, दो तीन घंटे में यहाँ बैठे हैं, कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, यानी कि वो मसला मसाइल बन रहा है। सोचा मौसम खुशगवार है, अच्छा है, ठंडा है, सोचा बयानीकार जाऊं। मनमाने किराए वसूल करने पर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी खामोश तमाशाई बनी हुई है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की मनमानी रोकने के लिए इंतजामिया का कोई अहलकार अड्डों पर नजर ही न आया। कैमरामैन अली रजा के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद।